बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉइज टीवी। आज की ताज़ा तरीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सरकारी मुलाजमीन के हवाले से कैबिनेट में कल बड़ी मंजूरियां दी गई। दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक तो यह है कि हुकूमत ने फाइनेंशियल असिस्टेंस की जो मद में यानी माली इमदाद की मद में करोड़ों का इजाफा कर दिया, और दूसरी तरफ उन्होंने ये किया कि एक और बुरी खबर यह है कि एक बड़ी मरात भी हुकूमत ख़त्म करने जा रही है। तो इस हवाले से मैं आपको मुकम्मल तफसीलात इसकी शेयर करने जा रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, पहली बड़ी खबर, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 7 दिसंबर 2023 को बकायदा कैबिनेट की मंजूरी से एक लेटर शेयर किया, जिसकी बकायदा तौर पर मंजूरी दी गई। इसमें उन्होंने कहा कि ऐसे मुलाजमीन जो दौरान सर्विस वफात पा जाते हैं, स्केल 1 से लेकर 22 तक जितने मुलाजमीन हैं, उनको फौरी तौर पर फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी माली इमदाद की सूरत में कुछ रकम दी जाती थी। अब इस रकम को बढ़ाकर करोड़ों में कर दिया गया है। अब पहले तो उसकी तफसील बताऊंगा, फिर उसके बाद दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ भी बताऊंगा। अब उसमें स्केल नंबर 1 से लेकर 4 तक को जो 16 लाख रुपए पहले दिए जाते थे, अब इसको बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया। अब इस तरीके से 5 से 10 स्केल के मुलाजम को 19 लाख दिया जाता था, अब इसको बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दिया गया। 11 से 15 को 22 लाख दिया जाता था, अब उसको बढ़ाकर जो है वो 1 करोड़ रुपया कर दिया गया। इस तरह 16 से 17 के मुलाजम को पहले जो था वो 25 लाख दिया जाता था, अब उसको बढ़ाकर 15 करोड़ यानी ये 1 करोड़ 50 लाख कर दिया गया। इस तरीके से जो स्केल नंबर 18 से लेकर 19 तक के मुलाजम को 34 लाख दिया जाता था, अब उसको 2 करोड़ रुपया मिलेगा। इस तरीके से स्केल 20 से अबव वाले को जो 4 अशारिया कुछ यानी कि 40 लाख रुपया मिलता था, मिलियन रुपया 40 लाख मिलता था, अब उसको भी बढ़ाकर जो है वो तकरीबन 2 करोड़ के करीब जो रकम है वो कर दी गई है। अब इसमें नीचे भी कहा कि अपॉइंटमेंट ऑफ द चाइल्ड वो वही तरह इसी तरीके से रहेगा। स्केल नंबर 1 को 70A की रूल्स के तहत उनको जो है वो अपॉइंटमेंट मिलेगी, ठीक है ना। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो यह कि इस रकम को किस लिए दुगना किया गया, हुकूमत ने इस पर बड़ा फैसला क्यों किया। एक तो यह है कि इसको करोड़ों में बदल दिया गया, और दूसरी तरफ जो उसके मुलाजम उसकी दो ऑप्शन थी कि मुलाजम जब वफात पा जाता था तो या तो उसकी जो वर्सा हुआ उसमें से किसी एक को मुलाजमत मिलती थी, और या और दूसरी मुलाजमत भी मिलती थी और उसके साथ 60 साल तक जो उसकी एज रहती थी बंदे की, यानी कि 60 साल जब तक पूरे ना हो उसको पूरी मुकम्मल तनख्वाह जो है वो तमाम प्रमोशन और तमाम अपग्रेडेशन के साथ जो उनके मरात वो मिलती थी। अब उन्होंने कहा कि ये करोड़ों रुपया तो आपको हम दे देते हैं, लेकिन अब आपको 70A के तहत सिर्फ मुलाजमत मिलेगी और दूसरी जो है वो दूसरी मरात आपको नहीं मिलेगी कि 60 साल तक आप तनख्वाहें मिलें। तो इसमें से वो कह रहे हैं कि आप एक का चॉइस कर लें, चाहे 17A के तहत मुलाजमत ले लें और चाहे आप जो है ना वो तनख्वाहें ले लें 60 साल तक। तो ये इसमें बड़ी ऑप्शन जो ख़तरनाक किस्म की इसमें खबर है वो ये दूसरी खबर ये थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।